हेलो पापा, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम संजू बेटा, खुश रहो। कैसे हो तुम? जी पापा, ठीक हूँ। पापा, ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है और यहाँ के टीचर्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और हमारा नाम रोशन करो। ओके जी। किसका फोन है? संजीव का है। अरे देखो, तुम्हारी मम्मी आ रही है। एक मिनट संजीव बेटा, अपनी मम्मी से बात करो करो। हेलो बेटा। माँ प्रणाम। जी करो बेटा, तुम कैसे हो? ठीक हूँ माँ। खाना टाइम पे खाते हो ना? बरसात में भीगा तो नहीं था? कितना सोचती हो माँ। माँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम बड़े हो गए हो, लेकिन बेटा हम माँ बाप के लिए तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे ना। वो तो सही है, पर माँ यहाँ आप दोनों की बहुत याद आती है, बहुत मिस कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को। हाँ बेटा, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पहली बार हमसे इतनी दूर गया है ना। और हाँ बेटा सुन, इतनी रात को बाहर मत निकलना, 12 बजने वाले हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए। उफ माँ। उफ, तुम दोनों ने आज तक मेरी कोई बात मानी है जो अब मानोगे? अच्छा माँ, गुस्सा मत करो, मैं भी फोन रखता हूँ, कल फिर फोन करूंगा, ठीक है? अच्छा बेटा, बाय बाय। वॉचमैन किधर चला गया? ये कहते हुए
मुझे बेहद दुख हो रहा है कि हमारे कॉलेज ने अपने परिवार का एक नया नया सदस्य खो दिया है। इस दर्दनाक मौके पर मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आत्महत्या किसी परेशानी का हल नहीं है। दुख हम सबके जीवन में आएंगे। संजीव के जीवन में भी कुछ कठिनाइयां रही होंगी, पर उसने इस तरह से आत्महत्या करके एक बहुत ही खराब मिसाल दी है, बहुत ही खराब। आइए संजीव की आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन रखते हैं। वही लड़की है जो फोटो में थी, वो यहाँ क्या करेगी? कहाँ गई? इधर ही थी, अभी इधर ही थी, यहीं पर थी। क्या हो रहा है यार? क्या वो तस्वीर वाली लड़की वाकई में मुझे दिखी थी या मेरा वहम था? मैक, आज मैक क्यों जल्दी सो गया? मैक किधर चला गया?
पता नहीं क्या हो रहा है। मैक, तू अंदर है क्या? मैक, तू रो क्यों रहा है? मैक, जवाब देना। मैक, किधर है यार? यहां तो कोई भी नहीं। तो रोको ना। अंदर तो कोई भी नहीं था। वो रोने की आवाज किसकी थी? मैंने उसे देखा यार। किसे देखा? वो तस्वीर वाली लड़की। तस्वीर वाली? हाँ यार, वही तस्वीर जो हमने कल रात को देखी थी, वही तस्वीर वाली लड़की मुझे वहां पर संजीव की शोक सभा में दिखी। यार मुझे लगता है संजीव की मौत। संजीव की मौत का जिक्र भी मत करना। पर वो लड़की यार। कोई लड़की नहीं, सिर्फ तेरा वहम है। कल रात के हादसे को अपने दिमाग से निकाल दे। मेरा कोई वहम नहीं है। तुझे मेरे पे नहीं विश्वास आता, मत कर। लेकिन लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूं। पर तू जाएगा कहाँ? अपने अंकल के घर यार, मैं नहीं रुकूंगा। अरे समीर, समीर सुनना, you
लाश किसकी पता नहीं। चल कटी लाश यार, ये लाश तो समीर की लग रही है। समीर का ओह नो। लाश को कोई हाथ नहीं लगा। शामला, स्टूडेंट्स को बोलो अपने कमरे में जाए। जाओ सब सब अपनी अपनी। चलो चलो। ये कुनाल, ये सब क्या हो रहा है यार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समीर को कौन मार सकता है यार? कहीं इसका संबंध उस रात से तो नहीं है। चुप। तुझे कितनी बार समझाऊं, उस रात को कुछ भी नहीं हुआ था। पर कुनाल, समीर मुझे मिला था, वो बहुत डरा हुआ था यार। उसे उसे वही लड़की दिखाई दे रही थी जो उस तस्वीर में। वो डरा हुआ था इसलिए मर गया। तू भी डरना बंद कर। अगर इसके आगे एक भी शब्द बोला और इतनी चिल्ला चिल्ला के तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम। समझ में आई? चल नॉर्मल हो जा,
तो यहां से कट लेते हैं। चल चल यार, अपना काम तो हो गया, गुड नाइट। अरे मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? प्लीज थोड़ी देर रुको ना, साथ में चलते हैं। यार ये डर तो ऐसे रहा जैसे कोई केमिस्ट्री लैब नहीं बल्कि कोई कब्रिस्तान हो। क्यों, कुछ बात है क्या? नहीं। अरे यार यहाँ सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स है और कुछ नहीं है। प्लीज यार 5 मिनट रुक जाओ, मेरा भी काम खत्म ही होने वाला है, साथ में चलते हैं ना। अरे तो कैंटीन में मिलते हैं ना, वहीं तेरा इंतजार करेंगे। प्लीज यार थोड़ी देर। अरे सुनो ना प्लीज ना, सुन ना। Oh, no.
इस कॉलेज को एक के बाद एक मौतें हो रही है यहां पर। क्या हुआ शामला? कुणाल बाबू, पहले समीर और अब ये मेघ। मुझे तो लगता है इस सब के पीछे वो हादसा है जो उस रात को। मैं कितनी बार कहा है श्यामलाल, अपने इस बड़े से मुंह पर ताला मार के रखो, भूल जाओ उस रात के बारे में। मुझे कुछ नहीं सुनना उस रात के बारे में। आपको नहीं सुनना है मत सुनिए, पर मुझे मेरी जान प्यारी है, ये ताला मेरे मुंह पे ज्यादा देर नहीं रहेगा। मैं सबको बता दूंगा। पागल मत बनो श्यामलाल। मैं सबको बता दूंगा श्यामलाल। मैं सबको श्यामलाल। साहब, अरे श्यामलाल तुम यहाँ, क्या बात है? साहब मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? किस बारे में? संजीव के बारे में।
मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने खींचा मुझे? यहाँ तो कोई नहीं है, क्या हो गया मुझे? रमन, तुम जल्दी से घर आ जाओ। रमन, घर आ जाओ? क्या हुआ अमिता, तुम ठीक तो ना? रमन, घर में कोई अजीब सी लड़की घुस आई है। अजीब सी लड़की? हर जगह मेरा पीछा कर रही, कभी बाथरूम में, कभी बेडरूम में, कभी किचन में। रमन, रमन तुम जल्दी घर आओ। रमन, मुझे बहुत डर लग रहा है। रमन, अमिता तुम घर आओ, मैं घर आ रहा हूँ, अब जा रहा हूँ मैं। सुनो, घर की सारी खिड़कियां और दरवाजा बंद कर दो, कुछ भी आ जाए, कोई खिड़की मत खोलना, कोई दरवाजा मत खोलना, मैं जा रहा हूँ। ओके ओके, Oh, no.
मिता 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 कहाँ हो मिता 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 आके खोलो मिता मिता आके खोलो मैंने आपको और श्यामलाल को पैसे इसलिए दिए थे ताकि आप लोग अपनी ये चोच बंद रख सके, ना ही के इसलिए कि आप लोग यहां आए और मुझे एक घटिया सी सलाह दें कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं। देखो, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, समझे? अगर अपनी भलाई चाहते हो ना तो चुपचाप गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा मैं। पोल पोल खुलने का अंजाम समझते हो आप भी फंसोगे। रिश्वत जो ली है आपने, और वैसे गुनाह को छिपाने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना कि गुनाह करने वाला। कायदा तो जानते ही होंगे आप, नहीं? हेलो साहब, संजीव के मां बाप आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। मुझे तो अब तक भी यकीन नहीं होता कि मेरे बेटे ने आत्महत्या की है। क्या परेशानी थी उसे, क्या दुख था जो वो ऐसा कदम उठाता? हो सकता है उसे कोई दुख हो, आप लोगों के साथ उसने शेयर ना किया। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा मुझे एक एक बात बताता था। देखिए, अभी तक हमें जो भी सबूत मिले उसे यही साबित होता है कि संजीव ने आत्महत्या की है। सबूत? कौन सा सबूत? जी, ये संजीव ने मरने से पहले ये लेटर लिखा था, ये सुसाइड नोट। नहीं नहीं सर, ये संजीव की लिखावट नहीं है। नहीं नहीं, ये संजीव ने लिखा है। लेकिन इस खत में लिखा क्या है? कहा है, मैं रागिनी के बिना नहीं जी सकता, पर वो मुझे नहीं किसी और से प्यार करती है, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। मेरी मौत के लिए और कोई भी जिम्मेदार नहीं है। रागिनी? ये रागिनी कौन है? जी, रागिनी वही है जिससे वो प्यार करता है, रागिनी। लेकिन संजीव की रागिनी नाम की कोई दोस्ती नहीं है। अगर वो किसी लड़की से प्यार भी करता होता तो मुझे जरूर बताता था, वो अपनी माँ को जरूर बताता था। एक मिनट, ये संजीव ने चिट्ठी के साथ ये फोटो भी छोड़ी थी रागिनी की। ये रागिनी है, रागिनी। ये क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। आप ये कैसी बात कर रहे हैं सर, ये नामुमकिन है। आप जानते हैं ये लड़की कौन है? ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है सर। लड़की की आत्मा पागल हो गया सर। Thank you.
विवान! ए, ए, दरवाजा खोल ले! देखो, मैंने संजीव को नहीं मारा, हम तो सिर्फ उसे डरा रहे थे। विवश इस रैकिंग से उसका पैर फिसला था, वो खुद गिर गया था, हमने उसका खून नहीं किया। This can't be real. ए, खोल ले! मेरी बात मान, मैंने उसका खून नहीं किया। ओके, सॉरी। उस लड़की के बारे में बताने वाले थे ना रमन, कौन है वो? रमन तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? रमन तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? रमन जवाब दो, क्या छुपा रहे हो मुझसे? रमन रमन बोलते क्यों नहीं हो? रमन रमन कौन सा ऐसा घिनौना राज है जिस पे से पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो तुम? रमन जवाब दो, कौन है वो लड़की रमन? और वो मुझे क्यों मारना चाहती है रमन? रमन बोलो, जवाब दो रमन, बोलो ना रमन। जीव की मौत आत्महत्या नहीं थी। क्या? हाँ, उस बेचारे ने खुदकुशी नहीं की थी। ये क्या हो गया यार कुणाल? मैंने पहले ही कहा था ना यार, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अरे डरो मत, किसी ने हमें देखा नहीं, किसी को भी हम पे शक नहीं होगा। काम हो गया गाइस। मतलब ये कि संजीव ने सुसाइड किया। तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है यार? ये तस्वीर देख रहे हो, ये जो लड़की है इससे संजीव बहुत प्यार करता था, पर अफसोस कि ये लड़की संजीव से प्यार नहीं करती थी। संजीव हो गया डिप्रेस्ड, ऊपर से कूद के उसने अपनी जान दे दी। अरे क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे हमने नहीं मारा, खुद ऊपर से नीचे गिर के मारा। अरे पर मम मम शाला, हां पता है आपको ये क्या है? देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला है। पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। बीता मुझे माफ कर दो, बीता प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं रमन, अपने जमीर से मांगो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इन सारी बातों से उस लड़की की आत्मा का क्या लेना देना है? लेना देना है उसका, क्योंकि क्योंकि वो लड़की रागनी, वो संजीव की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी बहन है। क्या? जिसकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है। उसका मतलब तुम लोगों ने भाई बहन के रिश्ते को? जी रमन। नहीं मिता, इस बात का किसी को नहीं पता था कि रागनी उसकी बहन है। बल्कि इस बात का तो अभी हमें पता चला, थोड़ी देर पहले उसके माता पिता से पता चला है। इसका मतलब है
रागिनी की आत्मा जो अपने भाई की मौत का बदला लेने वापस आई है रमन। अमिता, वो उसकी बहन की आत्मा है, वो किसे नहीं छोड़ेगी। रमन, चलो रमन, यहाँ से भागते हम। गुड़रिया, गुड़रिया, हम ये शहर छोड़ देंगे। तुम सही कहे, चलो यहाँ से। I'm innocent. I knew you. What are you doing?